हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बात करने के लिए पूर्णिमा नीरज सिंह। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और इनसे बातचीत करेंगे आखिर झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर को वो किस रूप में देख रही है, क्योंकि पिछली रात जो घटना हुई उसके बाद तमाम लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। मैम, लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है सुभाष मुंडा की हत्या के बाद बंद का ऐलान किया गया उनके द्वारा। जी, आक्रोश तो बहुत जेन्युइन है कि कोई ऐसी घटना हो जाती है तो लोगों का, उनके परिवार का आक्रोश कैसे नहीं होगा। ये इस पर कोई कैसे उंगली उठा सकता है, कोई कैसे कुछ बोल सकता है, बिल्कुल जेन्युइन बात है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। लेकिन इस आक्रोश का जवाब सरकार को कैसे देना है, जो सही कार्रवाई है उसके बाद, देखिए जो चला जाता है उसको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ इतनी सांत्वना ज़रूर दे सकते हैं कि अगर कहीं गलत हुआ है तो सरकार इसका संज्ञान लेके और उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्त में लें जो इस जिनकी वजह से ये हुआ है। मैम, आज की बैठक में भी 1932 के खतियान के विधेयक की चर्चा हुई है, OBC आरक्षण जो कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा था, मैनिफेस्टो में था, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई, इसको लेकर के सदन में किस तरीके से आप लोग अपनी बात रखिएगा विधेयक को वापस से इस लाने के लिए? देखिए, विधेयक को वापस लाने की अपनी एक प्रक्रिया है, लेकिन हमने चर्चा की कि हम इतने सालों से प्रयासरत रहे हैं, जब से हमारी सरकार आई है तब से, और किसी न किसी कारणवश जो है इसे अब तक रोक के रखा गया है, तो इस पर अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जो है इन सब बातों को लेकर हमारी पार्टी जो है चर्चा करेगी और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जो प्रक्रिया है उसके तहत ऊपर उठकर तो कोई भी नहीं जा सकता है। जो बिल वापस आए हैं उनको कैसे वापस लेकर आना है दोबारा सदन में, और जो बिल भेजे जा रहे हैं उनको कैसे जो है कार्रवाई में लाना है, इन सब चीज़ों पर चर्चा जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ लंबित है, शाम को उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। तो ये थी हमारे साथ पूर्णिमा नीरज सिंह, जिन्होंने हमारे साथ कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की, क्योंकि 1932 एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है नियोजन के मुद्दे को लेकर के भी, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आंदोलन भी जो है वो देखने को फिलहाल झारखंड में भी मिल रहा था। तो इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों के साथ आज इन्होंने बातचीत की और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इनका कहना है कि जो भी अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द ज़रूर यहाँ पर पकड़ा जाएगा, और कई सारे मुद्दों को लेकर के आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जब UPA की बैठक होगी तो उस दौरान भी तमाम चीज़ों पर चर्चाएं की जाएगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, सहयोगी के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।